अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर हम लोगों ने अर्जेंटली जो है वो मेहंदी उतारनी है तो हम किस तरह से उतारते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी वो तरीका कार जिससे हम लोग अर्जेंटली जो है वो मेहंदी रिमूव कर सकते हैं अपने हाथ से। तो व्यूवर्स, इसके लिए हमें कुछ प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों को पूरी बात समझ में आए और आप लोगों को मेथड भी समझ में आए। तो आइए आज की अपनी वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे हैंड पर मेहंदी लगी हुई नज़र आ रही होगी यकीनन। तो अब हम लोग इसको हमने रिमूव करना है और वो मैं आपको तरीका बताऊंगी कि हम इसको कैसे रिमूव करते हैं। तो व्यूवर्स, हम लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले हमने पीच क्रीम ब्लीच जो है उसके दो साशे लेने हैं। आप लोग एक भी ले सकते हैं क्योंकि मैंने अपने दोनों हाथों पर और दोनों पाँव पर लगानी है तो इसलिए मैंने दो ली हैं। तो मेहंदी क्योंकि हमें उतारनी है तो उसके लिए एक ही यकीनन काफ़ी है। ठीक है, आप लोग ये साशे आप लोगों को मार्केट से मिल जाएंगे, ब्लीच के पीच भी ले सकते हैं या ब्लैसो भी, लेकिन मैंने इस बार पीच ली है तो ये भी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो उसके बाद मैं आपको बताती हूँ तरीका। तो इसके साथ ही मैंने एक प्लेट ली है जो कि चीनी की प्लेट है। चीनी की प्लेट में जो है वो ब्लीच कोई भी हो बहुत अच्छी रहती है। चीनी की प्लेट में हमें इसको यूज़ करनी चाहिए, इसको निकालनी चाहिए। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये देखिए ज़रा, इसमें एक जो है वो एक्सेलेटर है और दूसरी में ब्लीच क्रीम है। तो यू नो, आप लोगों को पता ही होगा कि पीच जो अगर हम एक लें फुल क्रीम अगर, तो जो इसका एक्सेलेटर होता है वो हम लोगों ने इसका चौथा हिस्सा जो है वो लेना होता है, क्योंकि बाज़ लोगों की स्किन जो होती है वो बिल्कुल सेंसिटिव होती है, तो इसलिए इसको हम लोगों ने चौथा हिस्सा लेना है हम लोगों ने एक्सेलेटर का। तो व्यूवर्स, आइए हम स्टार्ट करते हैं ना आज का ट्यूटोरियल। इसके अलावा मेरे पास थोड़ी सी मिकदार में मिल्क भी है, तो हम लोगों ने मिल्क भी इस पीच क्रीम में डालना है। अच्छे से इसको हमने निकालना है। और अब हमने लेना है एक्सेलरेटर जो कि बहुत थोड़ी मिकदार में लेना है। ये देखिए, मैंने इसको हाफ डाल लिया है क्योंकि मैंने दो पैकेट लिए थे। तो ये देखिए ज़रा, मैंने इसको आपको करीब करके दिखाती हूँ, थोड़ा सा हाफ डाला है मैंने, दो साशे में मैंने इसको हाफ डाला है। अब हम लोगों ने इसको इसके अंदर रिजॉल्व करना है। एंड इन लास्ट विद द हेल्प ऑफ दिस नाइफ आई एम मिक्सिंग दिस मिक्सचर लाइक दिस। And you have to do in the same way. अच्छे से आप लोगों ने इसको मिक्स करना है ताकि जो एक्सेलेरेटर है जो अलग है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। यू नो, इसको मिक्स करने के बाद जब हम लोग अच्छे से इसको मिक्स करते हैं तो इसका जो मिक्सर होता है वो फैल जाता है, उसकी मिकदार जो है वो भर जाती है। अभी आप लोग देखिए ये कितना है, और भी थोड़ी देर बाद आप लोग इसको देखिएगा, 5 मिनट बाद इसकी थोड़ी सी मिकदार जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, ये फूल जाएगा थोड़ा सा। तो अच्छी तरह से ये अपने आप लोग हैंड और फीट पर लगा सकती हैं, लेकिन जिन लोगों को एलर्जी का प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने अवॉइड करना है, सेंसिटिव स्किन वाले लोगों ने अवॉइड करना है कि इसको ना यूज़ करें वो, और अगर यूज़ भी करें तो डॉक्टर की डाइट के मुताबिक आप लोग इसको यूज़ करें। लेकिन क्योंकि मैंने आपको तरीका बताना है कि मेहंदी को हम लोग किस तरह से उतारते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ब्लीच क्रीम, सो ये फ़िलहाल उन लोगों के लिए है। अभी देखिए, हम लोगों ने इसको मिक्स कर लिया है। व्यूअर्स, इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी मिकदार में मिल्क डालना है। मिल्क यू नो हम इसलिए डालते हैं ताकि, क्योंकि मिल्क में यू नो कैल्शियम होता है बहुत ज़्यादा और ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने इसमें थोड़ी सी मिकदार में मिल्क डाल दिया है।
इससे मिक्सचर जो है वो अच्छी तरह से रिजोल्व हो गया है और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त ये मिक्सर बन गया है अब हमारे पास ग्रीस क्रीम का। तो व्यूअर्स देखिए अब हम लोगों ने मिक्सर जो है वो कम्प्लीटली तैयार कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग मेहंदी किस तरह से रिमूव करेंगे। आप लोगों ने मेहंदी वाली जगह पर इसको लगाना है जस्ट लाइक दिस। ये देखिए हमने इसको पूरे हैंड पर अपने अप्लाई कर लिया है। अब आप लोगों ने इसको 10 to 15 मिनट्स के लिए अपने हैंड पर इसी तरह से अप्लाई करके छोड़ देना है और 15 मिनट्स बाद आप लोग देखेंगे कि आपके हाथ पर जो है मेहंदी का बिल्कुल भी निशान नहीं होगा। सो मैं आपको दिखाती हूँ इसको भी ज़रा। तो व्यूअर्स देखिए अब इसको 15 मिनट्स हो गए और मैं अब आपके सामने इसको उतारने लगी हूँ। मैंने मेहंदी जहाँ से लगाई थी ये देखिए ज़रा रिज़ल्ट आप लोगों के सामने है। तो मेरे इस जगह पर मेहंदी लगी थी कि ना आपको हल्का हल्का सा नज़र आ रहा होगा। ये देखिए मैंने पहले मेहंदी लगाई हुई थी और अब मैंने इसको कम्प्लीटली जो है वो उतार दी है। तो ये देखिए ज़रा ये थी हमारी आज की वीडियो। मेहंदी भी बिल्कुल कम्प्लीटली जो है वो उतर गई है और ये देखिए देखिए कितने अच्छे तरीके से मेहंदी उतरी है। तो व्यूअर्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।